सपोज करो ये मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड बनाया, बनाई, और ऊपर हाइपोथैलेमस। अगर आपको याद हो हाइपोथैलेमस यहां पिट्यूटरी था, यहां गड़ा सेला टर्सिका हड्डी के अंदर स्फिनोइड बोन में, ये पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये इनफंडिबुलम था, और यहां ऊपर हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स न्यूरोगिलिया नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये भी वो एक्सॉन्स हैं यानी नर्व है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, यानी कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करेगा, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। एक प्रॉपर ऑर्गन है, ये प्रॉपर पार्ट है, यानी एनाटॉमिकल एक इंटरनल ऑर्गन है, एनाटॉमिकल कनेक्शन है, और ये फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करेगा यानी फिजियोलॉजिकल भी। ऐसा नहीं कि फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस एक जोड़ रहा है, नहीं, स्ट्रक्चरली भी जोड़ रहा है, फंक्शनली भी जोड़ रहा है। इसीलिए हमने लिखा है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो होता क्या है, ये हाइपोथैलेमस से लिखिए, ऑफ कोर्स जो बीच की पतली सी डंडी होगी वो इनफंडिबुलम होगी, जो अभी हम लिख नहीं रहे हैं, और ये पूरा पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के अंदर तीन लोब्स होते हैं, इसे बोलते हैं एंटीरियर लोब, ये होता है मिडिल लोब, और ये होता है पोस्टीरियर लोब। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन के अंदर मिडिल लोब एंटीरियर लोब के साथ मर्ज हो जाता है, तो इस पूरे को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये फ्रंट में है, आगे की तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर लोब जो है इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। जहां आपने एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा है, लिखो एक बार, ये बनाओ फटाफट, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाओ, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखो इज इक्वल टू एंटीरियर प्लस मिडिल लोब, एंटीरियर प्लस मिडिल लोब, इन दोनों को मिलाकर एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और पोस्टीरियर लोब तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, एंटीरियर प्लस मिडिल लोब। वहीं नीचे स्टार लगाकर एक और पॉइंट लिख लो, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन मिडिल लोब इज मर्ज्ड इनटू एंटीरियर लोब, अलग से कोई अस्तित्व है ही नहीं, मिडिल लोब इज मर्ज्ड या फ्यूज्ड इनटू एंटीरियर लोब। अब इसका एक और नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी को लिखो, देखो समझो, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, लिखिए एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस इज इक्वल टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एडिनो हाइपोफाइसिस इज इक्वल टू एंटीरियर पिट्यूटरी, इनके दूसरे नाम हैं ये। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 7 हॉर्मोन्स बनते हैं, मैं नाम लिखना शुरू कर रही हूं यहां पे। पहला हॉर्मोन होता है ग्रोथ हॉर्मोन, क्या होता है, अभी आप भले ही शॉर्ट में भी लिख सकते हो ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी की ग्रोथ कराता है, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि जो होती है। अगर किसी बच्चे में जन्म से बाय बर्थ ये हार्मोन की कमी होगी तो वो बौना रह जाएगा, उसकी फिजिकल हाइट नहीं बढ़ पाएगी, ये बॉडी की ग्रोथ कराता है, तो इसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, लिखिए सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, हम सब लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये बॉडी की फिजिकल ग्रोथ कराता है, मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ नहीं, मतलब वो बौना तो रहेगा अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है, पर मेंटली सेक्सुअली फिट है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, जॉब कर सकता है, आईक्यू नॉर्मल है। जैसे आपने सर्कस में देखे होंगे बौने रहते हैं, या कई शादियों में पहले बौने आते थे एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे खुश होते थे उन पैसे कमाने के लिए, इस तरह से वो फिजिकली बौने हैं केवल, हाइट नहीं बढ़ी, बट अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए अब दूसरा हार्मोन जो निकलता है यहां से, उसे कहते हैं TSH, फुल फॉर्म लिख लेना, थायराइड स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन। थायराइड, आप चाहो तो यहां शॉर्ट फॉर्म लिख लो, डायग्राम के नीचे अलग से फुल फॉर्म लिखते जाओ,
TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग, STIMULATING, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये हार्मोन क्या करेगा? थायराइड की ग्रोथ कराएगा। अब देखो थायराइड खुद ही एक ग्लैंड है, पर वो ग्लैंड कब बढ़ेगा, कब डेवलप होगा, जब पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा। यानी इस हिसाब से पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड का मास्टर हो गया। यही तो हम बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि वो थायराइड, अगर TSH की कमी हुई तो थायराइड ग्लैंड ही नहीं बनेगा, तो थायराइड हार्मोन्स निकलने का सवाल ही नहीं उठता और उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स उस इंसान को हो जाएंगी। चलिए थर्ड, ACTH, एडरीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, कॉर्टिको ट्रॉफिक, TH। नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ करवाएगा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स तो खुद ही एक ग्लैंड है, यानी इसका मास्टर कौन है, पिट्यूटरी, तभी तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। देखो एक बात समझ लो, ट्रॉफिक का मतलब खाना पीना, न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक जो खाना खुद बनाए, हेटरोट्रॉफिक दूसरे से ले, तो यहाँ पे ट्रॉफिक मतलब सोमा मींस बॉडी, बॉडी की ग्रोथ कराए। ऐसे ही एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ कराए, आ रहा है समझ में, इसे एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन भी कह सकते हैं। बड़ा ध्यान से समझो, अगर इनके नामकरण आ गया तो सब आ जाएगा। इन्हें एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉपिन भी बोल सकते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिन भी बोल सकते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे इसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, सोमैटोट्रॉपिन भी बोल सकते हैं, सोमैटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सोमैटोट्रॉफिन, सोमैटोट्रॉपिन, सोमैटोट्रॉपिन हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सब एक ही बात है, ग्रोथ हार्मोन। चलिए अब फोर्थ हार्मोन जो निकलता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, कभी सुना है नाम प्रोलैक्टिन, ऐसा लिखते हैं PRL। क्या करवाता है ये, मैमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, आफ्टर डिलीवरी बढ़ जाता है, मदर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बनता है। तो देखो ये सब हॉर्मोन्स काम कर निकल रहे हैं पिट्यूटरी से, ये पूरी बॉडी पे ग्रोथ करवाएगा, बॉडी के पूरे सेल्स पे एक्ट करेगा, ये थायराइड को जाके उसकी ग्रोथ करवाएगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा, ये मेमोरी ग्लैंड पे जाके मिल्क बनवाएगा, बन कहीं रहे हैं, ब्लड में डाले जा रहे हैं, दूर काम कर रहे हैं, यही तो परिभाषा पड़ी थी हार्मोन की। चलिए फिफ्थ, FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, पूरा नाम लिख लो अलग से, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और सिक्स्थ रिको LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां स्पेलिंग लिख रही हूं मैं। आपने शायद जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, वैसे आप मेरे को बेवकूफ बनाओगे कि नहीं पढ़ा। FSH ओवरी और टेस्टिस की ग्रोथ कराता है, जो खुद ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मिक्स ग्लैंड्स है, अगेन मतलब पिट्यूटरी मास्टर हो गया उनका। और FSH फॉलिकल्स बनवाता है हर महीने, जिससे फिर आगे जाके प्रेगनेंसी होती है। इसी तरह LH जो है ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन यही बनवाता है, अगर पिट्यूटरी से LH नहीं निकलेगा तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा जब तक इसका कमांड नहीं आता, और अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो मेल सेक्स कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी मूछ का आना, ब्रॉड चेस्ट होना, मेल सेक्स डिजायर, स्पर्म्स का बनना, ये कुछ भी नहीं होगा, वो इंसान इनफर्टाइल हो जाएगा, उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, उसकी दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं आएगी, कोई मेल कैरेक्टर्स नहीं आएगा। फीमेल में अगर आपने सुना हो, पढ़ा तो जरूर होगा, कोई बात नहीं, ओव्यूलेशन जब होता है, ग्राफियन फॉलिकल एक बनता है, उसे फटवाता है ये, चलो छोड़ दो सब। कुल मिलाकर ये दोनों टेस्टिस ओवरी पर काम कर रहे हैं, और टेस्टिस ओवरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इतना तो मालूम है, क्योंकि वहीं से हमारे सेक्स गैमेट्स बनेंगे। और सेक्स ऑर्गन को बायो में गोनैड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोनैड्स, और ये दोनों गोनैड्स पर काम कर रहे हैं। तो क्या मैंने गोनैडोट्रॉफिक हार्मोन कह सकती हूं, क्या मैंने गोनैडोट्रॉपिन्स कह सकती हूं? अगर मैं गोनैडोट्रॉफिक हार्मोन लिखना चाहती हूं तो कायदे से मुझे GH लिखना चाहिए, गोनैडोट्रॉफिक हार्मोन, पर GH तो मैं ग्रोथ हार्मोन के लिए लिख चुकी हूं,
तो इसे जी एन मतलब गोनाडोट्रोपिन्स ऐसे लिखते हैं। चलिए तो इसका शॉर्ट फॉर्म जी एच नहीं हो सकता, इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स ही कहते हैं। अब ट्रोपिन्स बोलो, ट्रॉफिक बोलो, ट्रॉफिन बोलो, ट्रॉफिक हार्मोन बोलो, सब एक ही बात है। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो कैसे पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, थायराइड की ग्रोथ वो करवाए, वरना थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स की वो करवा रही है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ वो करवा रही है, FSHLH यानी टेस्टिस ओवरी गोनाड्स की ग्रोथ वो करवा रही है। ये जो छह बनते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं, और एक हार्मोन है जो मिडिल लोब से बनता है। हालांकि हमारे में तो मिडिल लोब भी एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है, लिखिएगा सेवेंथ वाला है MSH, MSH फुल फॉर्म लिखो, मिलानोसाइट, मिलानोसाइट स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन। मिलानिन वर्ड सुना है कभी आपने? हमारी स्किन में मिलानिन होता है, उसके कारण हमारी स्किन डार्क होती है। जितना मिलानिन होगा उतनी डार्क स्किन होगी, उतना अल्ट्रा वॉयलेट रेज जो सन की है उससे हमें खतरा कम होगा, स्किन कैंसर का चांस कम होगा। इसीलिए देखना जो ब्लॉन्ड यूरोपियंस है, अमेरिकन्स है, गोरी चमड़ी जिनकी रहती है, वो सन बाथ लेते हैं, धूप लेते हैं, और वो टैनिंग करवाते हैं, वो डार्क करते हैं अपनी स्किन को, क्योंकि उनमें मेलानिन कम है। इसीलिए देखना उनकी स्किन बहुत अच्छी नहीं होती, वहाँ स्किन कैंसर्स बहुत होते हैं, ऐसे लाल 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 लाल। हॉलीवुड मूवीज देखोगे गोरी है बिल्कुल, गोरा है लेकिन लाल 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 धब्बे रहते हैं, अच्छी स्किन नहीं होती है, डार्क स्किन अच्छी होती है। तो ये हार्मोन हमारे स्किन के मिलानोसाइट यानी वो सेल्स जो मिलानिन प्रोड्यूस करेंगे उसे स्टिमुलेट कर देगा, मिलानिन बनवाएगा यानी स्किन को डार्क करेगा या लाइट करेगा, डार्क करेगा। प्रेगनेंसी में अगर आपने किसी ने दीदी भाभी कहीं देखा हो तो प्रेगनेंसी में ये पूरा डार्क डार्क हो जाता है, गाल वाल एकदम काले पड़ जाते हैं, इसीलिए MSH बहुत बनता है, मिलानिन बहुत बनवाता है, इसीलिए यहाँ पिगमेंटेशन हो जाता है, पूरा डार्क डार्क हो जाता है। तो MSH के बारे में लिख लो, फ्रॉम मिडिल लोब, मिडिल लोब। बाकी छह एंटीरियर लोब से बनते हैं, ये मिडिल लोब से बनता है। टोटल ये सातों कहां से बनते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये लर्न होने चाहिए अपने को इनके नाम के साथ। जीएच का भी फुल फॉर्म लिख लेना, ग्रोथ हार्मोन है वो। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बोलो एंटीरियर लोब से क्या क्या मिलेगा? ग्रोथ हार्मोन, पूरा पूरा नाम बोलो जोर जोर से, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जोर से, फिर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन, फिर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मिडिल लोब से मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुल मिला के ये सेवन किससे मिलेंगे? एडिनोहाइपोफाइसेस। ये बनेंगे कहां? यहां बनेंगे, लेकिन इनका कमांडर कौन होगा? हाइपोथैलेमस। अब उसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए एक्चुअली हाइपोथैलेमस पे तो न्यूरॉन्स है, पर कुछ न्यूरॉन्स ही हॉर्मोन्स बनाने लग जाएंगे। अगर न्यूरॉन हॉर्मोन की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ सिक्रीट कर रहा है, तो क्या मैं इसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोल सकती हूँ? हाँ या ना? बोल सकती हूँ। तो ये एक्चुअली न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। न्यूरो क्योंकि हैं तो न्यूरॉन्स, पर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे न्यूरॉन्स का काम होता है इंपल्स जनरेट करना, करंट जनरेट करना, पर यहाँ ये कुछ हार्मोन बना रहे हैं, इसीलिए इन्हें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। कॉमन भाषा में इसे न्यूक्लियाई बोल देते हैं। अब यहां से जो हॉर्मोन्स बनेंगे यहां डाले जाएंगे नीचे, और वो ध्यान से सुन लो एक सेकेंड लेके, वो इस पिट्यूटरी को बताएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कब तुम्हें इन्हें निकालना है और कब इन्हें बनने से रोकना है। तो कमांडर कौन है इन सब का, इन ग्लैंड्स का? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। पर पिट्यूटरी का कमांडर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो यहां से निकलते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स, छह रिलीजिंग और तीन इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। वो कौन से होते हैं अभी बताती हूं। ये हाइपोथैलेमस से निकलेंगे और वो कैसे पहुंचेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वो पिट्यूटरी को कमांड देंगे कि कब तुम्हें ये बढ़ाना है, बनाना, रिलीज करना, और कब कम करना है। चलिए तो मैं यहां लिख रही हूं, आप भी यहां लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं अपन, सिक्स रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड थ्री इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। देखो याद करने की ट्रिक बताती हूं,
किसी भी लव स्टोरी में विलेन कौन कौन होता है? हाँ बोलो, सही है। मम्मी पापा और जालिम समाज, तीन होते हैं। कौन कौन? मम्मी पापा और कौन होता है? यही तो होते हैं, अपने ही तो होते हैं, दूसरों को क्या करना है। तो कौन कौन होते हैं? मम्मी पापा और समाज, ठीक है। मम्मी पापा और समाज, ठीक है। यानी इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है MSH के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए, और S क्या है? सोमैटोट्रॉफिक के लिए, यानी GH के लिए। तीन हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। अगर मान लो ये वाला निकला, ध्यान से सुनो, और पिट्यूटरी के पास पहुंचा, तो पिट्यूटरी समझ जाएगी कि मुझे अभी MSH नहीं बनाना है। ये निकला तो पिट्यूटरी समझ जाएगी मुझे प्रोलैक्टिन नहीं बनाना है, मुझे कम कर देना है, रुकना है, इनहिबिट होना है। ये निकला तो मुझे ग्रोथ हार्मोन नहीं बनाना है। इसे क्या मैं देखो, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन किसे कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन को। इसे मैं सोमैटोस्टैटिन कह सकती हूं, क्योंकि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को रोक रहा है, स्टैटिक कर रहा है। इसे कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, लिख लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन तो ये है, अगर आपने नाम समझ लिया आप जिंदगी में गलती नहीं कर सकते। सोमा मतलब बॉडी, ट्रॉफी मतलब ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ कौन कराएगा? ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन मतलब रोक रहा है किसको? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को, यानी ग्रोथ हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन कहां से बनता है? हाइपोथैलेमस से। आप कभी गलती कर ही नहीं सकते अगर आपने क्लास में कॉन्सेंट्रेशन से सुन के वर्ड्स को समझ लिया। चलो, ये तो तीन, मम्मी पापा और समाज, आप चाहो तो टिप लिख लेना। अब रिलीजिंग कौन कौन से होंगे? बड़ा आसान है, देखो। एक तो ये ग्रोथ हार्मोन को जो रिलीज करवाए, TSH को जो रिलीज करवाए, ACTH को जो रिलीज करवाए, प्रोलैक्टिन को जो रिलीज करवाए, MSH को जो रिलीज करवाए। अगर ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास पहुंचा, पिट्यूटरी बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाने लग जाएगी। ये पहुंचा TSH बनाने लग जाएगी, जो थायराइड की ग्रोथ करवाएगा। ये निकला ACTH बनाने लग जाएगी। ये पहुंचा प्रोलैक्टिन बनाने लग जाएगी। ये पहुंचा MSH बनाने लग जाएगी। रिलीजिंग, ये उनको रिलीज करवाएंगे। अब कायदे से यहां दो होने चाहिए थे, एक FSH का एक LH का, पर उनके लिए कॉमन है। अब ध्यान से सुनिए एक सेकेंड को, इन्हें मिलाकर मैंने गोनाडोट्रोपिन कहा है, तो क्या मैं इसे गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन कह सकती हूं? गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये देखो गोनाडोट्रॉपिन, मैं फिर कह रही हूं, बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, गोनाडोट्रॉपिन इज इक्वल टू FSH LH। वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, पर गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है, जिसे GnRH कहते हैं। तो GnRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा, जो गोनाडोट्रोपिन्स यानी FSH LH को पिट्यूटरी से निकलवाएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? एक मिनट का टाइम लो, ये दिमाग में चलाइए। ये सेवन हार्मोन्स पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, पर इनका कमांड हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स लेकर आ रहे हैं। छह जो इन्हें बनवाएंगे, तीन जो तीन के बनने को रोकेंगे, मम्मी पापा और समाज या सोसाइटी, इंग्लिश में बोलना है तो सोसाइटी। तो दिमाग में चलाइए, नाम देखो, नाम समझ आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अब समझ आएगा। हाइपोथैलेमस वो हार्मोन्स किसको कंट्रोल कर रहा है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है उनके बनने को। रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाएगा। स्पेशल न्यूरॉन्स हैं ये, तो इन्हें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई कह देंगे। यानी एनाटॉमिकल कनेक्शन भी है, एक स्ट्रक्चरल कनेक्शन और फंक्शनल कनेक्शन भी है, क्योंकि ये इसकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अभी हमने बात नहीं की, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब यहाँ देखो NCRT का डायग्राम, अभी और कुछ समझ नहीं आएगा, बस ये हाइपोथैलेमस बना हुआ है, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी बनी है, इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनी है, और ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं जो सिक्रीटरी सेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी आपको समझ भी नहीं आएगा। अब ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, हाइपोथैलेमिक देखो, पहला TSH रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन, देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
देन ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, देन ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन का रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी दोनों था, ACTH का रिलीजिंग था, मेलानोसाइट का रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों था, मेलानोसाइट का दोनों था, ठीक है। ये MSH के बनने को प्रमोट करेगा, ये MSH के बनने को रोकेगा। इसी तरह प्रोलैक्टिन का दोनों था, ये प्रोलैक्टिन के बनने को बढ़ाएगा, ये प्रोलैक्टिन के बनने को रोकेगा। याद है ना, ये पापा हो गए और ये मम्मी हो गई, तो MSH के दोनों थे, MSH रिलीजिंग एंड MSH इनहिबिटरी, प्रोलैक्टिन के दोनों थे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी। इसके अलावा ग्रोथ वाले का दोनों था, तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी। ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिटरी को हमने सोमैटोस्टैटिन कहा था, ये ग्रोथ हार्मोन के बनने को रोकेगा, और इसे हम कह सकते हैं सोमैटोक्राइनिन। आइए यही लिख लेते हैं, तो इसे ऐसा लिखते हैं STH है, STH, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं STH, सोमैटोट्रॉफिक है ना, तो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन इनहिबिटरी। देखो इसका आप दूसरा नाम बताती हूं, इसका सोमैटो क्राइनिन, क्राइनिन काइनेटिक एनर्जी से याद करो, ये स्टैटिन है, ये रोकेगा ग्रोथ हार्मोन को बनने से, ये क्राइनिन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़वाएगा, रिलीज करवाएगा। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का नाम है, STH लिख देते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन STH लिखिए, ये ग्रोथ हार्मोन का नाम है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी हार्मोन है, नाम समझ आ रहे हैं। इसी तरह इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसे थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, थायरोट्रोपिन, ये देखिएगा। चलो पहले इतना देखो, सोमैटोक्राइनिन और सोमैटोस्टैटिन, ये दोनों वर्ड आने चाहिए। फिर ये देखिए गोनाडोट्रोपिन, ये तो FSH LH है, रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा FSH LH की रिलीज को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, और TSH रिलीजिंग हार्मोन जो है ये TSH के बनने को इंक्रीज करवाएगा फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो TSH को बोलते हैं थायरोट्रोपिन, मैं फिर कहती हूं, देखिए TSH है थायरोट्रोपिन या थायरोट्रॉफिक हार्मोन, एक ही बात है, जो थायराइड, देखो रटना नहीं है, थायरो यानी थायराइड को न्यूट्रिशन देगा, या तो बोलो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या कहो थायरोट्रोपिन, तो ये क्या हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आ रहा है समझ में, नामकरण समझ आ रहे, सोमैटोट्रोपिन मतलब, सोमैटोट्रोपिन मतलब ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रोपिन मतलब TSH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन मतलब ACTH, गोनाडोट्रोपिन मतलब FSH LH, पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसे सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोक्राइनिन ये शब्द देंगे। तो ये जो टेबल है ये आपको बनाकर लानी है, दिस इज योर होमवर्क, इसे बनाना, पहले सारे नाम लर्न करना, सारे नाम समझना, इसे बनाना, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना है। टोटल कितने आएंगे इसमें, 6 और 3, 6 रिलीजिंग और 3 इनहिबिटरी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इनहिबिटरी है और 6 रिलीजिंग है, ये 9 अपनी टिप्स पर होने चाहिए। पापा मम्मी समाज, ये 3 इनहिबिटरी हैं जो लव स्टोरी में विलेन है, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं।